हेलो फ्रेंड्स सो यूपीएससी बीपीएससी मोटिवेशनल स्टडी क्लब में आपका स्वागत है सो इट्स रिसेंटली अभी न्यूज आई है कि नेक्स्ट मंथ 65 बीपीएससी uh, 65 अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल किया है सो इट्स अ वेरी शॉर्ट नोटिस एक्चुअली इतना एक्सपेक्टेड नहीं था फिर भी नो no इश्यू अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं देन कीप इट अप इसको पेस थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए सो so, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑल द अराउंड 10 टू 15 इयर्स में एक टॉपिक जीएस का जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है जो कि बीपीएससी में इससे इस आप वीडियो देखिए तो इससे एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आने वाला है क्योंकि तो हम लोग जितने तरीके से वो आर्ट एंड कल्चर्स में जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं वो सब इस वीडियो में हम लोग कलेक्ट किए हैं पूरा डिस्कस करने वाले हैं वो जो भी बोला है किस तरह उसको एनालिसिस फीचर्स मतलब हर एक टॉपिक को किस तरह उसने डिफरेंट डिफरेंट वे में मोल्ड किया है वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो इसमें हैं एंड दोज वो आर क्वालिफाइड एंड एक्सपेक्टेड टू एपियर इन दिसन और, तो और बीपीएससी का और इसमें से अगर आपको ओवरऑल देखा जाए तो दो तीन क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से अगर आपने अगर थोड़ा सा भी आप सिंसियर है कर रहे हैं तो आपने वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया ही होगा बस वही है कीप ऑन रिपोजिंग बिकॉज ये वीडियो में एक क्वेश्चन आपका श्योर sure होने वाला है ओके okay? तो चलिए शुरू करते हैं तो सो इट्स इट इस दिस टॉपिक इज बेसिकली बिलोंग्स टू आर्ट एंड कल्चर ओके मयूर मयूरियन आर्ट पाल आर्ट और पटना कलम पेंटिंग से रिलेटेड जो बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आर्ट कल्चरस में ये क्वेश्चंस से इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चंस आता ही आता है अब ये देखिए किस किस तरह में इस इनको किस तरह मोल्ड करके किस तरह डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बीपीएससी ने अपने मतलब कलम पेंटिंग ओके तो, okay? तो ये पूछ रहा है कि साइलेंट फीचर जो साइलेंट फीचर है कैटिस्टिक्स है फीचर्स है पटना कलम के वो वहां पे हमें ब्रिंग आउट करना है डिस्कस करना है ओके इस क्वेश्चन में तो फर्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन होता है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट ओके तो इस ये क्वेश्चन में पूछा है जो इस साल के क्वेश्चन पूछा गया था जब ये तो मौर्यन आर्ट के बारे में पूछा गया था और उसमें साइलेंट फीचर्स

अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप प्रैक्टिस किए ही होंगे तो ये जस्ट आपको हेल्प करेगा क्या है और जो जिनके थोड़ा सा कंफ्यूजन है नहीं है तो आप यहाँ पे अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं या फेसबुक ग्रुप से भी ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्क देंट फीच पटना कलम पेंटिंग स्टाइल अब ये देखिए पटना कलम के बारे में पूछा है मगर यहाँ पे फोकस किस चीज के बारे में किया है वॉट इज द मेन फोकस पॉइंट फोकस पॉइंट इज पेंटिंग स्टाइल ओके फीचर्स ऑफ द पेंटिंग स्टाइल देखिए की वर्ड आप ढूंढिए फीचर्स ऑफ पेंटिंग स्टाइल ऑफ किसका पटना कलम का ओके okay? तो ये तो आपको हर चीज उसमें इंक्लूड नहीं करना है तो मेन फोकस कहाँ करना है क्वेश्चन में पेंटिंग स्टाइल में फोकस करना है किस पेंटिंग स्टाइल से क्या मेटेरियल यूज किए करते थे को, अगर कोई इंपॉर्टेंट आपको पेंटर्स का नाम आपको याद है कहा, कहा किस एरिया में बिहार में वो किस 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 तरफ किस एरिया में रीजन में डोमिनेंट था था ये पेंटिंग ओके तो वो सब आपको इसमें करना है तो यू हैव टू राइट योर एंसर जस्ट अराउंड दिस टॉपिक अबाउट द फीचर्स ऑफ पेंटिंग स्टाइल ओके तो मोर एम्फेसिस आपको कहाँ पे देना है पेंटिंग स्टाइल एंड उनके फीचर्स साइलेंट फीचर्स क्या थे उनको आपको करना है ओके okay? तो चलिए देखते हैं अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज़ द साइलेंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्ट अब देखिए इससे पहले क्या था सिर्फ मौर्यन आर्ट के बारे में साइलेंट फीचर पूछा अब उसके बारे में इंक्लूड कर दिया मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्ट ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन

एंड फोकस पॉइंट यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर बोथ ठीक है अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में था मयूर आर्ट में आर्किटेक्ट के बारे में था वहां पे कोई जिक्र नहीं किया था स्कल्पर और एनी डिफरेंट स्पेसिफिक पेंटिंग के बारे में ओके होप क्लियर हुआ पॉइंट अब देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है किसका कैरेक्टरिस्टिक अब डिस्क्राइब करना है पटना कलम ओके okay? पटना कलम पेंटिंग के बारे में उनके जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो भी है तो हमारा मेन फीचर्स यहाँ पे क्या रहेगा

अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्रिटिकली एग्जामिन द साइलेंट फीचर ऑफ पाल आर्ट ठीक है अब पाल आर्ट का साइलेंट फीचर्स के बारे में अब उसके पूरे फीचर्स के बारे में आपको इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है तो ये ऑलरेडी आ चुका है ना ये सब आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट वे में कहा आर्किटेक्ट स्कल्पचर कुछ साइलेंट फीचर्स कुछ कैटिस्टिक्स ये सब डिफरेंट वे में मैंशन करना होगा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ मॉयरियन डिस्क्राइब करना है मगर ये भी इस क्वेश्चन क्या है अब वो जहां जहाँ वो लोग बिहार में जहाँ ये सब मायरेन आर्ट बिहार में मिला जिस जिस जगह पे जिस जिस प्रांत में जिस जिस प्लेसेज में उसके बारे में बिहार स्पेसिफिक आपको उसका डिटेल देना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओके okay, ये देखिए ठीक है क्लियर पे लिख दिया बिहार तो अब जो फीचर्स देना है और जो भी आर्ट मिले हैं बिहार में कौन से रीजन यहाँ पे रीजन पेंटर उसके आर्किटेक्ट अगर होंगे कौन बनाए थे उसको क्या उसका डिफरेंट फीचर्स था डिफरेंट कैसे वो डिस्टिंग था डिफरेंट फीचर्स से तो ये सब पूरा इस क्वेश्चन में इंक्लूड होगा नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन देखिए गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन फीचर्स ऑफ पाल आर्ट बिहार ठीक है ये क्वेश्चन था पाल आर्ट क्रिटिकल एग्जाम द साइलेंट फीचर अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अब क्वेश्चंस का वेरिएशन हल्का चेंज कर दिया मगर आपको पूरा मेन फीचर्स को इंक्लूड करना है इसमें पूरा डिटेल आप